हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज वेज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शेजवान सूजी आलू रोल। रोलर्स बनाने के लिए एक पैन में एक कप पानी गरम करेंगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। पानी गरम हो जाए तो उसमें आधा कप सूजी डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। हमारी सूजी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, इसकी फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। हमारी सूजी ठंडी हो चुकी है, इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल के उसमें डालेंगे दो बड़े साइज के ग्रेट किए हुए बॉयल आलू और 1/4 कप शेजवान चटनी। ये शेजवान चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिए। इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे सूजी और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप बॉयल किए हुए कॉर्न, 1/2 कप ग्रेटेड कैरेट, 1/2 कप कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट टू टेस्ट और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर तैयार है, अभी इसके लिए सिलरी बना लेंगे। 1/2 कप मैदा, 1 कप पानी, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसे मिक्स कर लेंगे। अभी इस मिक्सचर से इस तरह सारे रोल बना लेंगे। रोलर्स को सिलरी में डिप करके ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। इसी तरीके से सारे रोलर्स को कोट कर लेंगे। रोलर्स को ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए उसे डबल कोट करेंगे, पहले सिलरी में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। हमारे रोल कोट हो चुके हैं, ऑयल भी गर्म हो चुका है, अभी इसे डीप फ्राई करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। हमारे रोलर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। रोलर्स को सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे और ऊपर से कोरिएंडर लीव्स से गार्निश कर लेंगे। तैयार है हमारे शेजवान सूजी आलू रोल।